नमस्कार, राधा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपको बाजार जैसा फ्रेंच फ्राइज बनाना सिखाएंगे। एक बार आप इस तरह से फ्रेंच फ्राइज बनाकर देखिए, बिल्कुल बाजार जैसी फीलिंग आएगी और यह बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं। फ्रेंच फ्राई बनाने के लिए मैंने लिया है 4 मीडियम साइज का आलू, जिसको छीलकर पानी में डुबो लिया है, जिससे कि इसका रंग काला न पड़े। कॉर्नफ्लोर 4-5, हरी मिर्च 4-5, कली लहसुन 2 छोटे टुकड़े, अदरक, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन। तो चलिए फ्रेंच फ्राई बनाते हैं। अब सबसे पहले इन आलुओं को काट लेंगे। इस तरह से इसको इस तरह से काट लेंगे। सभी आलुओं को इसी तरह से काटेंगे। सभी आलुओं को काट लिया है। अब हम इसको 3-4 बार अच्छी तरह से धो लेंगे। आलुओं को हमने अच्छी तरह से धो लिया है। इसको धुलना इसलिए जरूरी है क्योंकि आलू में स्टार्च होता है, धुलने से सारा स्टार्च निकल जाता है। अब हम इसको एक किचन टॉवल पर फैला देंगे और इसका सारा पानी सूखने देंगे। इस तरह से फैला देंगे अच्छी तरह से। सारे आलू को एक सूती कपड़े पर फैला लिया है। आप देख सकते हैं आलू से सारा पानी सूख गया है। अब हम इसको एक बोल में लेंगे। आलू को एक बोल में ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और ये 1/2 चम्मच अजवाइन क्रश किया हुआ, इस तरह से, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और ये लहसुन, मिर्चा और अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, और अब डालेंगे 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर। अब इस कॉर्नफ्लोर को सारी सामग्री के साथ आलूओं में मिक्स कर लेंगे। आलूओं में सारी सामग्री को अच्छी तरह से मिला लिया है। ध्यान रहे आलू बिल्कुल गीला ना रहे। और अब हम इन आलुओं को फ्राई कर लेते हैं। इस फ्रेंच फ्राई को फ्राई करने के लिए मैंने तेल गरम कर लिया है और तेल को मैंने हाई फ्लेम पर गरम किया है। तेल अच्छी तरह से गरम है। अब हम इसमें इस फ्रेंच फ्राई को डालेंगे और फ्राई कर लेंगे। इस फ्रेंच फ्राई को हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। इस फ्रेंच फ्राई को लगातार चलाते हुए 10 मिनट हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे। फ्रेंच फ्राई को फ्राई करते हुए 10 मिनट हो चुका है। अब हम गैस ऑफ करते हैं और इस फ्रेंच फ्राई को निकाल लेते हैं। और अब इस फ्रेंच फ्राई को हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद एक बार फिर से फ्राई करेंगे। आप इसका कलर देख सकते हैं, बिल्कुल मार्केट जैसा लग रहा है। और अब ये फ्रेंच फ्राई बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम इसको एक बार और फिर से फ्राई कर लेते हैं। इस फ्रेंच फ्राई को फ्राई करने के लिए हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तेल अच्छी तरह से गरम हो गया है, आप देख सकते हैं तेल से धुआं आने लगा है। अब हम उसमें डालेंगे इस फ्रेंच फ्राई को और इसको 2 मिनट फ्राई करेंगे इस हाई फ्लेम पर। और बस 2 मिनट बाद हमारा फ्रेंच फ्राई बनकर तैयार होगा। और बस 2 मिनट हो चुका है, आप देख सकते हैं फ्रेंच फ्राई बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। फ्रेंच फ्राई को एक बोल में लिया है। आप देख सकते हैं इसका आवाज, यह कितना क्रिस्पी है, बिल्कुल बाजार जैसा। अब हम इसको सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल बाजार जैसा फ्रेंच फ्राई बनकर तैयार है। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस फ्रेंच फ्राई को आप जरूर ट्राई करिएगा, यह बच्चों को बहुत पसंद आएगा और बहुत जल्दी बन जाएगा।